ये देखो, ये 6 नंबर का ड्रेसिंग रूम, और यहाँ पर कोई भी तरीके का आदमी अवेलेबल नहीं है। ये आप अपना पूरे वीडियो में देख सकते हो कि कोई भी आदमी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर ड्रेसिंग के लिए। अगर कोई आदमी यहाँ पर इमरजेंसी के लिए आता है, किसी की नस फट जाती है या किसी को किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का आदमी अवेलेबल नहीं है। कुठे होता आता आतापर्यंत? कुठे होता आतापर्यंत? कुठे? तुमचा विभाग आहे? तुमचा विभाग आहे काय? हां ठीक आहे। माझा विभाग नाही, व्हिडिओ बंद कर। तुमचा विभाग आहे काय? हां ठीक आहे। माझा विभाग नाही, व्हिडिओ बंद कर। तुमचा विभाग आहे काय? हां ठीक आहे। लवकर या। कोण आहे तुम्ही? आहात काय? ह्यांचा स्टेटमेंट घ्या पहिला। ह्यांचा स्टेटमेंट घ्या पहिला। वसई विरार मनपा अस्पताल जिस तेजी से अत्याधुनिक उपायोजनों के साथ शुरू किया गया था, अब उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है। और बात करें यहाँ के सुविधाओं की, तो यहाँ कभी किसी कर्मचारी के पैसे लेने का वीडियो वायरल हो जाता है, तो कोई समय में तो यहाँ इमरजेंसी माहौल में उपचार करने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं रहता। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें नालासोपारा नागिनदासपाड़ा अस्पताल की हैं, जहाँ पर रात के समय इमरजेंसी माहौल में इलाज करने के लिए ना ही कोई वैद्यकीय कर्मचारी था और ना ही सुविधा देने वाला उपरोक्त डॉक्टर। और इस गैर जिम्मेदार रवैये की जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया, तब वहाँ पर उपस्थित ऑन ड्यूटी महाराष्ट्र सुरक्षा बल जो ओपीडी में अपनी नींद पूरी कर रहे थे, उन्होंने मोबाइल छीन लिया और वीडियो बनवाना बंद कर दिया। हालांकि हमने तभी उनकी एक नहीं सुनी और उनका गैर जिम्मेदारी वाला कारनामा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। एक तरफ मनपा अस्पताल में कार्यरत महाराष्ट्र सुरक्षा बल जो रात के समय ऑन ड्यूटी पर होते हुए भी ओपीडी में सोते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समय पर उपचार करने के लिए कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं होता। और जब डॉक्टरों से इसका जवाब पूछा जाता है, तो उत्तर है कि उनको समय लगेगा आने में, अभी वो किसी काम में व्यस्त हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को हमने उपरोक्त अस्पताल में कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी से फोन पर संपर्क कर सब बताया, जिसके बाद उनके सहयोग से तुरंत ही इलाज तो मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ जहां रात के समय इमरजेंसी माहौल में इन अस्पतालों पर जनता का भरोसा रहता है कि उन्हें तुरंत उपचार मिल सकेगा और अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसे वक्त में समय पर इलाज देने वाला कोई कर्मचारी नहीं रहता है, जिस वजह से हमने तो इस बात का विरोध किया और इसकी वीडियो बनाई, लेकिन आए दिन जनता शायद इन सब चीजों के कारण कितनी मुश्किलें झेलती होंगी, ये तो आप अनुमान ही लगा सकते हैं।